तो आज का टॉपिक है हम लोग का डोमेन नेम सर्वर, ठीक है, जिसको हम लोग DNS के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डोमेन नेम सर्वर या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, अब डोमेन क्या होता है, हम लोग देखे हैं कुछ दिन पहले ही डोमेन क्या होता है। जैसे कि मैं किसी वेबसाइट का मैं बताता हूँ, जैसे मेरा खुद का वेबसाइट है, तो ये क्या था, इसका डोमेन था, ये क्या था, इसका डोमेन है। ठीक है, ये डोमेन जब भी ओपन होता है तो वो कैसे ओपन होता है, ठीक है, इस डोमेन को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पूरा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग एक कोई भी डोमेन लिखते हैं, जैसे हम लोग कोई भी डोमेन लिखते हैं google.com, तो गूगल खोल देता है। ठीक है, फिर हम लोग फेसबुक लिखते हैं, ठीक है, तो वो फेसबुक को ओपन कर देता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम देखो, अब DNS इज ए होस्ट नेम टू IP एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विस। ठीक है, डोमेन नेम्स सर्वर या फिर डोमेन नेम सर्विस, ठीक है, क्या करता है ये कि हम लोग को DNS इज ए होस्ट नेम, मतलब जो भी हम लोग का डोमेन है वो क्या है, होस्ट नेम है। ठीक है, तो उस होस्ट के थ्रू हम लोग कोई भी IP एड्रेस में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मेरा है HTTP, ठीक है, उसके बाद www.. धीरेन्द्र डॉट टेक। ठीक है, ये मेरा एक डोमेन है। अब जैसे ही मैं डोमेन हिट करता हूँ तो ये कहाँ पे जाएगा, ठीक है, सर्वर पे जाएगा। ठीक है, सर्वर पे जाएगा तो सर्वर पे इस नाम से थोड़ी सर्च करेगा वो। ठीक है, सर्वर के पास जैसे ही पहुँचेगा तो वहाँ पे उसको बहुत सारे IP एड्रेस मिलेंगे, मतलब एक सर्वर जो होगा, ठीक है, मतलब उसका एक कुछ ना कुछ IP एड्रेस होगा। ठीक है, दुनिया में वैसे ही बहुत सारे सर्वर हैं। अब जिस सर्वर पे मैंने रखा है इसको, ठीक है, जिस भी सर्वर को मैंने परचेज किया उस पर रखा है, तो उसका कुछ ना कुछ IP एड्रेस होगा। अगर मैं उसका दिखाऊं IP एड्रेस तो क्या था उस दिन, 139 कुछ समथिंग कुछ था। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे इस डोमेन का ये देखो, यहाँ पे प्राइमरी डोमेन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे उसका IP एड्रेस दिख रहा है। जैसे ही मैं ये वाला डोमेन हिट करता हूँ URL बार पे, तो सबसे पहले इस डोमेन को चेंज कर देगा वो इस IP एड्रेस में। ठीक है, किस में चेंज कर देगा, IP एड्रेस में। तो मेरा IP एड्रेस ये है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस डोमेन से इस IP एड्रेस में कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब जब भी हम लोग सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं तब ये डोमेन से भेजेंगे, लेकिन सर्वर के पास कैसे जाएगा, इस IP एड्रेस के थ्रू जाएगा। आया समझ में, ये IP एड्रेस किसका रहेगा, सर्वर का IP एड्रेस है। ठीक है, अगर जैसे ही अगर मैं ये वाला IP एड्रेस को हिट करता हूँ, जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो वो डायरेक्ट देखना क्या खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे खुल रहा है वेब मास्टर। ठीक है, ये पेज डायरेक्टली नहीं खुल सकता। आया समझ में, जब भी मैं अगर इस देखो, ये सर्वर का IP एड्रेस है, किसका IP एड्रेस है, सर्वर का IP एड्रेस है, तो सर्वर का IP एड्रेस जो है हम लोग डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, इफ़ यू आर ओनर ऑफ दिस वेबसाइट प्लीज कॉन्टेक्ट योर होस्टिंग प्रोवाइडर, ठीक है, वेब मास्टर एट द रेट समथिंग कुछ। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग क्या लेना पड़ेगा, एक तो डोमेन परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा डोमेन, इस डोमेन के थ्रू हम लोग इस IP एड्रेस को लिंक कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को टेक्निकली करना क्या है,
कि हम लोग एक डोमेन परचेस कर लिए, उस डोमेन को होस्ट कर लिए किसी भी सर्वर पे, और वहाँ से हम लोग को एक आईपी एड्रेस लेना होता है। तो जैसे ही हम लोग यूआरएल बार पे ये वाला एड्रेस डालते हैं तो हम लोग को कहाँ पे पहुँचा देता है वो, इस आईपी एड्रेस पे पहुँचा के हम लोग के पास जो भी फाइल्स वगैरह रखी है वो ओपन करके शो कर देता है। इसी को बोलते हैं डोमेन नेम रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम रिजोल्यूशन, या डोमेन नेम सर्वर, या डोमेन नेम सिस्टम। आया समझ में? ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो DNS इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इंप्लीमेंट इन अ हायरार्की ऑफ नेम सर्वर्स। ठीक है, जैसे कि मैं नेम सर्वर्स मैंने बताया, ठीक है, जैसे कि मैं इसमें लॉग इन करके दिखाता हूँ, तो उसमें हम लोग दो नेम सर्वर डाले थे, याद है? जब भी हम लोग डोमेन परचेज किए थे तो उसमें दो नेम सर्वर डाले थे, ठीक है, प्राइमरी नेम सर्वर और सेकेंडरी नेम सर्वर। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ। ठीक है, मैं अपने अकाउंट पे लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कुछ कुछ सर्विस मिलती है। वहाँ पे हम लोग को एक ऑप्शन मिलता है नेम सर्वर का। ठीक है, तो नेम सर्वर वहाँ पे क्यों डालेंगे हम लोग? ठीक है, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक नेम सर्वर। तो नेम सर्वर वहाँ दो टाइप के नेम सर्वर डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो, मैनेज नेम सर्वर दैट इज डोमेन नेम यूजर्स। ठीक है, तो हम लोग पे इस पर क्लिक करेंगे। नेट थोड़ा आज स्लो चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो दो नेम सर्वर हम लोग डाले हैं यहाँ पे, ns3.server800 ns4.servers800। इस टाइप से हम लोग क्या किए, दो नेम सर्वर डाले। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है जो नेम सर्वर्स के थ्रू हम लोग को एक हायरार्की बना के देता है। ठीक है, हायरार्की मतलब क्या होता है कि हम लोग एक डोमेन है मान के चलो, ठीक है, उस वो डोमेन जो है दो नेम सर्वर से लिंक है आपस में। ठीक है, ये डोमेन जो है वो दो नेम सर्वर से लिंक है, नेम सर्वर वन और नेम सर्वर टू। ठीक है, मतलब ये डोमेन जो है वो किस किस से लिंक है, दो नेम सर्वर से लिंक है। मेरा नेम सर्वर क्या है, ns3.server800.com। ठीक है, दो नेम सर्वर, एक प्राइमरी नेम सर्वर और सेकेंडरी नेम सर्वर। ठीक है, ये दो नेम सर्वर से लिंक है आपस में। ठीक है, जैसे ही हम लोग ये यूआरएल में हिट करते हैं तो सबसे पहले इस दो नेम सर्वर के पास जाएगा। ठीक है, ये दो नेम सर्वर अलग अलग लोकेशन के होंगे। ठीक है, अब ये मान के चलो हम लोग को नहीं पता रहेगा कि ये कहाँ कहाँ के लोकेशन का है। ये मान के चलो एक इंडिया का होगा, ये दोनों में से कोई भी एक इंडिया का हो सकता है। ठीक है, कोई भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें से कोई एक इंडिया का होगा। ठीक है, और एक दूसरा जो है, मान लो सेकेंडरी जो है वो कोई दूसरे कंट्री का है। ठीक है, मतलब वो पूरे दुनिया के दूसरे कंट्रीज में सर्च करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये डोमेन हिट किया जाता है तो वो दो नेम सर्वर के पास जाएगा, और दोनों नेम सर्वर जो है एक इंडिया का होगा, क्योंकि हम लोग अभी इंडिया में हैं। सबसे पहले वो अभी इंडिया में ही सर्च करेगा कि वो इंडिया के सर्वर पे तो नहीं है। ठीक है, अगर मिल जाएगा तो ओके। ठीक है, एक नेम सर्वर से उसको रिजॉल्व करेगा, उसके लोकेशन पे जाएगा और वहाँ से हम लोग को उसकी फाइल्स को ला के डिस्प्ले कर देगा। अगर इंडिया में नहीं मिलता है तो वो प्राइमरी पे सर्च करता है, सॉरी सेकेंडरी पे सर्च करता है, सेकेंडरी पे सर्च करेगा और दूसरे कंट्रीज़ के सर्वर पे वो चेक करेगा और वहाँ के आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो
डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पर काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है कि सबसे पहले हम लोग को होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर हम हमारे पास होस्ट है तभी हम लोग एक डोमेन नेम को रिजॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो डोमेन जो होता है वो दो तीन टाइप के डोमेन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होते हैं जेनरिक डोमेन, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग .com देखते हैं, .edu देखते हैं, .mil देखते हैं जो मिलिट्री पर्पज़ के लिए होता है, .org देखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के एक जेनरिक डोमेन होते हैं जो कमर्शियल पर्पज़ के यूज़ होता है, एजुकेशनल के लिए यूज़ होता है, ठीक है, या तो मिलिट्री के लिए यूज़ होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। वैसे अगर कंट्री डोमेन की बात करें तो कंट्री डोमेन में क्या होगा, .in आता है, .us, .uk, ठीक है, अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। .in जो होता है इंडिया के लिए यूज़ होगा, .us मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के लिए यूज़ होगा, .uk मतलब यूनाइटेड किंगडम के लिए यूज़ होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे इनवर्स डोमेन अगर हम लोग चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी हम लोग ले सकते हैं, मतलब एक ही डोमेन, जैसे कि मैं अपना धीरेंद्र.tech, ठीक है, तो धीरेंद्र.com, धीरेंद्र.in, ठीक है, इस टाइप से भी इनवर्स डोमेन मैं ले सकता हूँ। मतलब अगर हम लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम लोग कोई भी डोमेन को हिट करते तो मेरा ही वेबसाइट खुले, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत सारा डोमेन परचेस कर लिए, जितने भी टाइप के डोमेन है सब परचेस कर लिए और उसमें सबको एक ही से लिंक कर दिए, एक ही होस्ट से लिंक कर दिए, वैसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स डोमेन, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डोमेन, कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है डोमेन को। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो इस डायग्राम से समझना। सबसे पहले एक आता है रूट डीएनएस सर्वर, ठीक है। रूट डीएनएस सर्वर मतलब क्या होगा, ठीक है, रूट डीएनएस सर्वर जो है वो एक ऐसा सर्वर होगा जिसके थ्रू उस डोमेन को रिजॉल्व किया जाएगा। जैसे कि मेरा होस्ट है, मेरे होस्ट में ही हम लोग को नेम सर्वर दिया हुआ है, ठीक है, तो होस्ट में ही हम लोग को नेम सर्वर दिया हुआ है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे कि इस डोमेन को अलग अलग डीएनएस सर्वर पे मैच कराएंगे, ठीक है। तो मेरा होस्टिंग जो है वो उसके पास दो नेम सर्वर है, ठीक है, कोई कोई होस्टिंग रहता है उसके पास तीन रहता है, किसी किसी होस्टिंग के पास चार रहता है, किसी किसी होस्टिंग के पास पांच रहता है। जो अगर डेडिकेटेड सर्वर की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर पांच नेम सर्वर होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नेम सर्वर अलग अलग टाइप के डोमेन को रिजॉल्व करता है, ठीक है। जैसे कि मेरा नेम सर्वर है तो दो टाइप के ही डोमेन को रिजॉल्व कर पाएगा, एक जो मेरा .tech करके जो मैंने रजिस्टर किया है वो, और .in या फिर .com, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के नेम सर्वर अलग अलग टाइप के नेम को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो .com DNS सर्वर, ठीक है, तो हर एक डोमेन के हिसाब से अलग अलग DNS सर्वर होता है, ठीक है। .in, ठीक है, जो इंडिया के सर्वर के लिए यूज़ होगा, .mil जो मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और ये जो .in डोमेन है मतलब इंडिया का है, वो इतने सारे डोमेन सर्वर जो उसके अंदर आते हैं, ठीक है, DTO.in, ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे और आते हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर हम इसीलिए हमेशा हम लोग एक या दो सर्वर पे ही काम करते हैं, मतलब जो नेम सर्वर होता है एक या दो ही होते हैं मैक्सिमम या तीन या चार। डेडिकेटेड सर्वर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे पांच होते हैं, ठीक है। तो .com, .in इतने में ही हम लोग को सारे चीज़ मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दो टाइप के नेम सर्वर इस रूट DNS से कनेक्ट होते हैं। जैसे ही हम लोग इस रूट DNS मतलब रूट सर्वर जो क्या होगा, हमारा होस्ट होगा, होस्ट जो होगा वो वहाँ के नेम सर्वर ये .com और .in दोनों में रजिस्टर होंगे। अब दोनों के थ्रू वो दूसरे नेम्स को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रहा इस डोमेन नेम सिस्टम का एक हायरार्की स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू हम लोग एक डोमेन को आईपी एड्रेस के थ्रू मैच करते हैं और वहाँ से हम लोग इस डोमेन को रिजॉल्व करते हैं कि वो .com डोमेन है मतलब कमर्शियल पर्पस है, या फिर .in है मतलब इंडिया पर्पस के लिए, या फिर इस टाइप से हम लोग एक डोमेन को रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है।
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी टू डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द आईपी एड्रेस एसोसिएटेड टू ए वेबसाइट बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ वेबसाइट विथ ऑल दोज वेबसाइट वी शुड एबल टू जनरेट द आईपी एड्रेस इमीडिएटली। ठीक है, हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम लोग किसी भी एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस फाइंड कर पाएँ, क्योंकि डोमेन जब भी हम लोग परचेस करते हैं तो उसके अंदर जो डिटेल्स होती है वो हिडन होती है, हम लोग कभी भी उसका आईपी एड्रेस पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वैसे ही उसी टाइप की बहुत सारी वेबसाइट होती है, सबका आईपी एड्रेस अलग अलग होगा। मतलब अगर मान के चलो 1000 वेबसाइट है सेम .com डोमेन की, तो वहाँ पे 1000 अलग अलग आईपी एड्रेस होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज, DNS रिकॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे डोमेन नेम, आईपी एड्रेस, ठीक है, वैलिडिटी, इस टाइप से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो DNS रिकॉर्ड क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर या फिर डोमेन नेम सिस्टम का एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अब सर्वर है उससे जितने भी .com डोमेन, .in डोमेन या फिर .mil डोमेन, इस टाइप से बहुत सारे डोमेन रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, सभी के सभी होस्ट होंगे और उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, मतलब एक रजिस्टर बनता है, रजिस्टर जैसे बनता है वैसे ही वहाँ सारे डिटेल्स को रखा जाता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग एक डोमेन को रजिस्टर करते हैं उसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स हम लोग डालते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहा है। ठीक है, इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मेरी सारी डिटेल्स हैं, मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट, देखो यहाँ रजिस्ट्रेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट, ठीक है, बिलिंग कॉन्टैक्ट, टेक्निकल कॉन्टैक्ट, सब के सब यहाँ पे हम लोग को अवेलेबल है। यही सारी डिटेल्स को हम लोग हाइड करके रखते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स को हाइड करने से क्या होगा, हम लोग को पता ही नहीं चल पाएगा कितने हैं। लेकिन जो DNS सर्वर है, डोमेन नेम सर्वर, इसे मैं bigrock.com से लिया हुआ हूँ। ठीक है, ये वाला एक डोमेन मैं लिया हुआ हूँ। ठीक है, अब bigrock.com क्या है, DNS सर्वर से जहाँ पे भी ये नेम सर्वर में डाला हूँ, ठीक है, ये दो नेम सर्वर में मेरा इस डोमेन को रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ से मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारे डिटेल्स वहाँ पे भेज चुका है। ठीक है, तो जैसे ही वो वहाँ पे भेजेगा, साथ में मेरा आईपी एड्रेस भी भेजेगा, उसकी वैलिडिटी क्या है वो भी भेजेगा, मैं एक्टिव है कि नहीं हूँ, लाइव हूँ कि नहीं उस डोमेन पे, वो भी सारी चीज़ हम लोग को मिल जाता है। मतलब DNS रिकॉर्ड के अंदर हम लोग वो सारी चीज़ देखते हैं जो एक डोमेन के अंदर डिटेल्स होती है। ठीक है, देन उसके बाद आता है नेम स्पेस। ठीक है, नेम स्पेस क्या होगा कि हम लोग एक नेम जो देते हैं कोई भी डोमेन को, ठीक है, जो भी डोमेन हम लोग लेते हैं उसका एक स्पेस होगा। मतलब मान के चलो कि हम लोग एक सेट ऑफ पॉसिबल नेम्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे कोई भी एक सर्च करते हैं। ठीक है, मैं इससे भी कौन कौन कनेक्ट है, चलो जयन के नाम से हम लोग सर्च करते हैं। ठीक है, jn.com। ठीक है, jn.com अवेलेबल नहीं है, लेकिन jn.co.in अवेलेबल है, jn.in.net, ठीक है, इतने सारे सजेशन हम लोग के पास मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास ऑप्शंस होता है कि बहुत सारे हम लोग सेट ऑफ पॉसिबल नेम ले सके, तो इसी को बोलते हैं हम लोग नेम स्पेस। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी जो होती है कि ये डोमेन अवेलेबल हो सकता है, उसी को बोलते हैं नेम स्पेस। ठीक है, नेमिंग सिस्टम जो होता है, एक हम लोग कोई भी नेम को, नेम क्या है, मतलब एक वर्ड होगा, उस वर्ड को जोड़ तोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एक डोमेन बना सकते हैं, उसी को बोला जाता है नेम स्पेस, या फिर उसी चीज़ को हम लोग डोमेन भी बोलते हैं। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ दिया हुआ है लेकिन उसका दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, देन उसके बाद आता है नेम सर्वर। ठीक है, नेम सर्वर मतलब क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, DNS डोमेन नेम सिस्टम इक्वल टू नेम सर्विस इन इंटरनेट, ठीक है, माइनस जोन इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डोमेन इज सबट्री। ठीक है, तो नेम सर्वर क्या होगा, एक
इम्प्लीमेंटेशन होगा रिजोल्यूशन का। रिजोल्यूशन मतलब कि हम लोग उस डोमेन से किसी भी नेम सर्वर से कनेक्ट होके वो हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे जाके होस्ट किया हुआ है, उसका आईपी एड्रेस क्या है और वहाँ पे कितनी टाइप की फाइल्स रखी हुई है, सारे फाइल्स को हम लोग ला के उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग एक यूआरएल हिट करते हैं किसी भी ब्राउज़र पे, तो इतने सारे चीज़ें बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। सबसे पहले वो डोमेन जैसे ही हिट होगा, सबसे पहले वो जाएगा नेम सर्वर के पास, वो नेम सर्वर से उसका आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करेगा, आईपी एड्रेस पे जाएगा, लोकेशन पे जाएगा, पब्लिक एचटीएमएल के अंदर जाएगा और वहाँ से जो सारी फाइल्स है उसको एक्सेस करेगा। ठीक है, तो इतना सारा प्रोसेस जो होता है विद इन अ सेकेंड हो जाता है, मतलब तो एक सेकेंड भी नहीं लगता इतना सारा चीज़ करने में। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हमारा काम बहुत आसान हो गया कि हम लोग एक वेबसाइट जो भी होस्ट करना होता है हम लोग को, तो हम लोग बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेम टू एड्रेस रिजोल्यूशन। ठीक है, डोमेन नेम टू एड्रेस रिजोल्यूशन, हाँ जी, क्या जूम हो गया है, स्क्रीन जूम हो गया है, ज़ूम आउट, चलो मैं एक मिनट, ठीक है अभी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डोमेन नेम रिजोल्यूशन, सॉरी डोमेन नेम टू एड्रेस रिजोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक होस्ट वांट्स द आईपी एड्रेस ऑफ द cse.dto.in। ठीक है, ये होस्ट है, होस्ट के पास क्या होगा, नेम सर्वर होगा। ठीक है, होस्ट क्या करेगा, जैसे ही होस्ट के पास हम लोग के पास आ जाएगा, जो भी डोमेन हिट किया जाता है, ठीक है, वो होस्ट से वो रजिस्टर होगा। ठीक है, उसके पास होस्ट जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा नेम सर्वर को। ठीक है, नेम सर्वर के पास इस डोमेन को रिजॉल्व करने के लिए भेजेगा और होस्ट पता करेगा कि उसका आईपी एड्रेस क्या है, तो नेम सर्वर जो है वो उसको बताएगा कि उसका आईपी एड्रेस क्या है। आया समझ में? अब ये आईपी एड्रेस किसका आईपी एड्रेस होगा, जो भी होस्ट होगा, मतलब क्या होगा, अभी डोमेन नेम जो हिट कौन किया है, क्लाइंट किया है। ठीक है, क्लाइंट किसके पास जाएगा, होस्ट के पास जाएगा। अब पूरी जिम्मेदारी होस्ट की होती है, ये जैसे ही रिजॉल्व कर लेगा नेम सर्वर के पास जाएगा और वापस से वो होस्ट को कनेक्ट करेगा। होस्ट को कनेक्ट किससे करेगा, इस आईपी एड्रेस से। ठीक है, ये आईपी एड्रेस किसका होगा, इसी डोमेन का ही होगा। ठीक है, वो ये बताएगा कि यहाँ पे इस डोमेन को रिजॉल्व कर लिया गया है, वो इस आईपी एड्रेस पे है, वापस इस होस्ट पे जाएगा और यहाँ से जो भी फाइल्स वगैरह होगी वो वापस से किसके पास जाएगी, क्लाइंट के पास डिस्प्ले हो जाएगी। ऐसा समझ में? तो मतलब ओवरऑल कोई भी डोमेन नेम सर्वर का फंडा इतना है कि हम लोग को इस डोमेन से रिजॉल्व क्या करना है, आईपी एड्रेस, बस। आया समझ में? मतलब इस डोमेन के पीछे जैसे हम लोग कॉन्टेक्ट में सेव करते हैं ना नंबर, तो कॉन्टेक्ट में मैं मान के चलो तुम्हारा नंबर सेव किया तो मैं नाम से सेव करूँगा, लेकिन वो कॉन्टेक्ट नंबर जो नेम से सेव किया है उसके पीछे क्या है, वो नंबर है। तो यहाँ पे भी क्या है, डोमेन मतलब हम लोग को सामने बहुत इजी सा नाम दिख रहा है, अंदर में क्या है, आईपी एड्रेस है, बस उसी चीज़ को हम लोग को रिजॉल्व करना होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम रिजोल्यूशन या फिर डोमेन नेम सर्वर, तीनों हम लोग इसी को ही बोलते हैं। अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि डोमेन नेम सिस्टम, तो भी हम लोग को यही लिखना है, डोमेन नेम सर्वर तो भी हम लोग को यही लिखना है, ठीक है, डोमेन नेम रिजोल्यूशन तो भी हम लोग को यही लिखना है। आया समझ में? यहाँ पे लिख देता हूँ डोमेन नेम रिजोल्यूशन। ठीक है, सबका मतलब सेम होता है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें अभी तक?
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हायरार्की ऑफ नेम सर्वर्स, ठीक है। नेम सर्वर की हायरार्की क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं रूट नेम सर्वर, जो हम लोग ऊपर डायग्राम में देखे, कहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, ठीक है। रूट डोमेन नेम सर्वर, ठीक है, वो किससे जाता है, यहाँ पे .com DNS सर्वर, .in DNS सर्वर, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग DNS सर्वर पे वो जाके उसको रिजॉल्व करता है, ठीक है। तो एक रूट सर्वर होता है, दूसरा टॉप लेवल डोमेन सर्वर होता है, ठीक है। वही यहाँ पे दिया हुआ है, रूट नेम सर्वर, ठीक है। इट इज़ कॉन्टेक्टेड बाई नेम सर्वर दैट कैन नॉट रिजॉल्व द नेम, इट कॉन्टेक्ट्स ऑथोरेटिव नेम सर्वर इफ मैपिंग इज नॉट नोन, ठीक है। अगर रूट नेम सर्वर को मैपिंग पता नहीं है, मतलब उसको कौन से डोमेन को रिजॉल्व करना है वो नहीं पता है, तो किसके पास भेज देगा, टॉप लेवल सर्वर के पास भेज देगा, ठीक है। रूट नेम सर्वर जो होगा, अगर उसको वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है तो क्या कर देगा, टॉप लेवल सर्वर पे भेज देगा, जो हम लोग का नेम सर्वर जो होता है, नेम सर्वर वन, नेम सर्वर टू, उस पर भेज देगा, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर .com, .org, .edu, ठीक है। इस टाइप से टॉप लेवल कंट्री डोमेन जो होगा UK, FRCA, .in, इस टाइप से, तो अलग अलग सर्वर पे जाके उसको सर्च करेगा, ठीक है। अगर कोई भी ऑथराइज्ड डोमेन सर्वर उसको मिल जाता है तो अब क्या करेगा, उसके बाद वो उसको टॉप लेवल सर्वर क्या करेगा कि उसके रिलेटेड जितने भी डोमेन उसमें रजिस्टर हो गए वहाँ पे जाके सर्च करेगा और एग्जैक्ट आईपी एड्रेस हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अगर टॉप लेवल सर्वर नहीं खोज पा रहा है उसको, तो वहाँ पे सेकंड लेवल डोमेन्स पे जाएगा और वहाँ पे उसको सर्च करेगा, ठीक है। कहाँ पे जाएगा, सेकंड लेवल डोमेन पे जाएगा और उसको वहाँ पे सर्च करेगा, मतलब जो नेम सर्वर टू था हमारा वहाँ पे, आया समझ में, ठीक है। तो इस टाइप से वो क्या करता है, एक हायरार्की को यूज करके उसको रिजॉल्व करता है नेम को, आया समझ में। यहाँ पे पूरा वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डोमेन नेम सर्वर कैसे एग्जैक्ट काम करता है वो देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी जैसे ही हम लोग आईपी एड्रेस हिट करते, सॉरी डोमेन हिट करते हैं, सबसे पहले होस्ट के पास जाएगा वो, ठीक है। रिक्वेस्ट टू रिजॉल्व स्टूडेंट csc.dto.in, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक डोमेन है, होस्ट भेज रहा है, ठीक है, डोमेन को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो किस कंट्री का है, किस लोकेशन का, वो तो पता रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेम सर्वर के पास भेजा, सबसे पहले फर्स्ट नेम सर्वर के पास भेजा, ठीक है, ए, ठीक है, नेम सर्वर वन हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट टू रिजॉल्व स्टूडेंट .csc.dto.in, रूट नेम सर्वर के पास भेजेगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, ऑल आईपी एड्रेस एंड नेम्स ऑफ NS ऑथोरिटी फॉर टॉप लेवल डोमेन .in, ठीक है। अगर ये मान के चलो रूट नेम सर्वर .in के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे उसको कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस देगा, मतलब जितने भी आईपी एड्रेस उससे रिलेटेड होंगे सबके सब दे देगा, ठीक है। फिर अब क्या करेगा, फिर उसके बाद सेकंड वाले नेम सर्वर के पास जाएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट टू रिजॉल्व student.csc.dto.in, ठीक है। यहाँ से आंसर क्या मिल रहा है उसको, ऑल आईपी एड्रेसेस एंड नेम्स ऑफ NS ऑथोरिटी फॉर द डोमेन dto.in। यहाँ पे क्या सर्च किया, .in को सर्च किया, मतलब ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। अब सेकंड वाले के पास क्या सर्च कर रहा है, dto.in को सर्च कर रहा है, आया समझ में। तो dto.in से रिलेटेड जितने भी आईपी एड्रेस होंगे सारे के सारे यहाँ पे भेज देगा, ठीक है। अब उससे भी सॉल्व नहीं हुआ है उसका, इसको चाहिए csc.dto.in, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जग गया, ठीक है, सेकेंडरी नेम सर्वर के पास, फिर यहाँ पे उसको csc.dto.in सर्च करना है। यहाँ पे देखो आंसर 134.60.30.118, ठीक है। इसको यहाँ पे वो आईपी एड्रेस मिल चुका है, एंड ऑल आईपी एड्रेसेस एंड नेम्स ऑफ NS ऑथोरिटी फॉर द डोमेन csc.dto.in, मतलब ये फाइनली रिजॉल्व कहाँ पे हुआ है, सेकेंडरी नेम सर्वर के पास रिजॉल्व हुआ है, ऐसा। तो हम लोग यहाँ पे नेम सर्वर की बात अगर करते हैं, तो नेम सर्वर अलग अलग
टाइप के डोमेन को होल्ड करके रखता है और उसके आईपी एड्रेस का रिकॉर्ड रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं डीएनएस रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? डीएनएस रिकॉर्ड। आया समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी एक होस्ट जो होता है वो डोमेन नेम को रिकॉल करता है। ठीक है, तो इतना सारा प्रोसेस जो होता है एक सेकंड के अंदर में हो जाता है। सोच सकते हो, इतने सारे सर्वर के पास जा रहा है, वहां से आईपी एड्रेस ला के दे रहा है, ठीक है, और उसको रिजॉल्व कर रहा है। इतना सारा चीजें जो है वो क्या होगा, एक ही सेकंड के अंदर हो जाता है। जितना ज्यादा फास्ट रहेगा नेट उतना फास्ट काम करेगा ये। ठीक है, आया समझ में? इसमें कुछ भी डाउट है?